कुछ नहीं आई, देख रही हूँ कि अनजाने में ही सही, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे की बातों को कितना सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे देख के। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने तुम दोनों की फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो। नहीं कोई बात नहीं, तेरे लिए चाय बनाता। अच्छी कोशिश है अपनी फैमिली को एक करने की, लेकिन पूर्वी तुम्हारे सपने बहुत जल्द टूटने वाले। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी सारी चालें समझ चुका हूँ। ये जो तुम्हारी कोशिश है ना बाबा और अर्चना जी को करीब लाने की, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मेरे बाबा सिर्फ मेरे रहेंगे, वो तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, और तुम्हारी आई सिर्फ तुम्हारी, उन्हें मैं अपने कभी होने नहीं दूंगा। ये तो वक्त ही बताएगा दादा। वक्त ऑलरेडी बता ही रहा है, पिछले एक महीने से ये दोनों एक साथ रह रहे और उनके रिश्ते में कोई चेंज नहीं आया। एंड आई एम श्योर अगले 5 महीने में कोई चेंज आएगा भी नहीं, लेकिन ये बात पक्का है पूरी, अगले 5 महीने में बाबा और मेरी फैमिली दोनों कनाडा में होंगे और तुम लोग यहाँ पर। अगले 5 महीने बाद भी बाबा यही होंगे और वो भी मेरी आई के साथ। तुम सपने अच्छे देखती हो पूरी, काश वो पूरे भी होते, लेकिन ये जान लो जिस दिन अर्चना जी मेरे बाबा की जिंदगी से अलग होंगी ना, वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो हेलो। मैडम आपका जूस। ये मेरे हाथ में थमाएगी, तू देख नहीं रही है पॉलिशिंग नेल? सॉरी मैम। मैम ये नेल पेंट थोड़ा सा ब्राइट नहीं है? ब्राइट टेल वाइट इट इज फैशन दीज डेज। यू लाइंग टू मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी? यू नो यू पॉलिशिंग नेल्स? आई एम द ब्यूटी क्वीन कनाडा। बहुत अच्छा है। इंग्लिश, इंग्लिश स्पीकिंग, नो इंग्लिश नो मनी। हाँ सॉरी मैम। ये वाओ, हाउ आई लुकिंग गुड? यस मैम, बट मैम क्या वाकई में ये ड्रेस पहन के फैशन शो में जाएंगी? इसीलिए मैंने ये कपड़े पहने हैं। एक्चुअली आप थोड़ी सी अलग दिख रही हैं। फैशन शो में जाने के लिए कुछ दूसरे कपड़े होने चाहिए थे। तू क्यों मुझे सिखा रही है? हाई स्टेटस, और वो हमेशा मेंटेन करने के लिए मैं ये पहन के जा रही हूँ। तुझे क्यों बोलती हूँ? तुझे क्या पता है ये तेरी सलाना तेरे चुन्नी में बांध के बाहर जाके बांट, मुझे मत सिखाओ, समझी ना? जलती है मेरे पे। यू नो आई द दादी ऑफ फेमस मॉडल ओवी देशमुख। मिस्टर किलोस्कर, फाइनली बड़ी मुश्किल से आपका अपॉइंटमेंट मिला है। आई एम रियली सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, पिछले कुछ दिनों में काम इतना ज्यादा था कि आपके प्रोजेक्ट में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। Well, now finally everything is over. So I think we can concentrate on your project, right? I know. Mr. Malhotra, I'm really sorry, but kya hum ye venue change kar sakte hain by any chance?
I'm sorry. Is there any problem? No problem as such, but is it possible? Well, I'm very sorry, Mr. Kirloskar. Aaj shaam ki hamari Delhi ki flight hai. Aur agar hum abhi venue change karenge, to shaam ki flight miss ho jayegi. Okay. Yeah? Let's go. Right. Yeah. विनय, इतने महंगे होटल में लाने की क्या जरूरत थी? हम किसी छोटे मोटे होटल में भी तो जा सकते थे ना? हाँ, जा सकते थे, लेकिन यहाँ क्या बुराई है? हमारी शादी तय होने के बाद आज पहली बार मैंने तुम्हें लंच के लिए इनवाइट किया है, तो फिर तुम्हें किसी खास जगह पर ही लेकर आऊंगा ना? और अगर हम दोनों को अच्छा वक्त गुजारना है तो इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। एक्चुअली आज तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए मैंने अर्जुन सर से कुछ घंटे का ब्रेक लिया है। लेकिन अर्जुन सर की तो कोई मीटिंग थी ना आज? हाँ, मीटिंग तो थी, लेकिन जब मैंने उनसे ब्रेक के बारे में पूछा तो उन्होंने झट से हाँ कर दिया, तो मुझे लगता है कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। खैर छोड़ो ना, अब ये मीटिंग की बातें हम बाद में करेंगे, आज हम कुछ अपने बारे में बात करेंगे। हाँ बाबा, वहाँ का हालचाल जानना था। क्या हो रहा है वहाँ? अर्चना और मानो एक ही घर में एक साथ रह रहे, कुछ बात बनी कि नहीं? उनके बीच की गलत फहमियाँ अभी भी वैसे की वैसे ही हैं। बाबा, एक महीने के ऊपर हो चुका है दोनों को एक छत के नीचे रहते हुए, लेकिन दूरियाँ वैसी ही हैं। 18 सालों की दूरियाँ मिटने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। बाबा, आप चाहे तो उन दोनों के बीच की दूरियां एक पल में खत्म हो सकती हैं। वो कैसे? उन दोनों के बीच की गलतफहमियां आय की वजह से हुई। आप ये सच्चाई उन दोनों को बता दीजिए ना। बंधु, अगर वही करना था तो मैं कब का कर चुका होता। बता देता मानव को कि वो सविता ही थी जो कनाडा की टिकट्स की जगह डिवोर्स के पेपर्स अर्चना के पास लेके गई थी। वो अर्चना ने साइन नहीं किए, इसलिए रिश्ता जैसा था वैसा ही रह गया। बंधु, मैं चाहता हूँ कि मानो अर्चना का बड़प्पन खुद समझे। मानो अर्चना की दूरियां उन दोनों के अलावा कोई नहीं मिटा सकता। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। बंधु, बस बापा को प्रार्थना करते हैं कि वो सब ठीक कर दे। I think Mr. Malhotra, आपके project की सारी documentations भी ready हैं, so we should go ahead with this, isn't it? Can I have the document file? Excuse me. Documents की file मिली? नहीं sir. Just do one thing. जाके पूर्वी को phone करो. I think she knows it. Yes, अनुष्का, मैं अर्जुन सर के साथ में यहाँ मल्होत्रा एंड बिल्डर्स की मीटिंग अटेंड करने आई हूँ, लेकिन पता नहीं मुझे प्रेजेंटेशन की फाइल नहीं मिल रही है। क्या तुम्हें पता है वो प्रेजेंटेशन की फाइल कहाँ सेव की है? अच्छा, तो आज मीटिंग है। हाँ, ओके, एनीवेज, हमारा जो लैपटॉप बैग है ना, उसके फ्रंट पॉकेट में एक पेन ड्राइव होगी, उसी में वो फाइल है। ओके, थैंक्स अ लॉट पूर्वी, बाय। Will you just show me the next? Open me the next slide, please. Yes, sir. All right, I will. I'll show you my sales report, please. Can I have the sales report? Sales report, please. Sorry, sir. मैंने यहीं पर रखी थी, पता नहीं मिल नहीं रही है। Just search for it. Wait, sir, मैं पूर्वी को फोन करके पूछ लेती हूँ। What do you mean by पूर्वी? I'm sorry. Well, that's about it. That's it, Mr. Malhotra. I'm really sorry कि हम लोग कुछ technical issues की वजह से आपको
अपनी सेल्स रिपोर्ट नहीं दिखा पाई. आई विल मेल यू द सॉफ्ट कॉपी. ओके थैंक यू मिस्टर. ओके थैंक यू सो मच. प्लेजर वाज माइन. गाइस कुड यू प्लीज. श्योर सर. थैंक यू. Sorry to disturb you, लेकिन मल्होत्रा एंड बिल्डर्स के प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस आए हैं, तो I wanted to discuss that and... सर, मैं पूर्वी नहीं, विनय बात कर रहा हूँ. पूर्वी एक्चुअली वॉशरूम गई है. Oh, I'm really sorry, विनय. I'm extremely sorry. Actually, मैं वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहता. कोई बात नहीं सर, जो भी काम है आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा. और वैसे भी पूर्वी बहुत जल्द ऑफिस छोड़कर जाने वाली है, तो यू नो राइट. पूर्वी पूर्वी ऑफिस छोड़ के जाने वाली, इसीलिए सर उसका सारा काम मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि उसके जाने से पहले मैं कुछ सीख सकूँ. यस एब्सोल्युटली. तो ठीक है विनय, तो तुम अपना लंच खत्म करके मुझे ऑफिस में मिलो. राइट, हम ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्कस कर लेंगे. ठीक है सर, मैं आ जाऊँगा. राइट. यप. किसका फोन था? अर्जुन सर का था, शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आया है तो वही बताने के लिए फोन किया था. कौन से? मल्होत्रा एंड बिल्डर्स वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? शायद जिन्हें मैं जानती थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करेंगे, क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो किसी और एमएनसी से भी टच में थे. डोंट वरी पूर्वी, वो सब मैं संभाल लूंगा. आत्या, आपने मेरी पिंक वाली फाइल देखी है? सचू, तू ये वाली फाइल ढूंढ रहा है ना? ये रे, दरअसल हॉल में पड़ी हुई थी, इसलिए मैंने आपने मेरी फाइल को छुआ कैसे? अगर मैंने इसको कहीं रखा था तो कोई रीजन की वजह से रखा होगा ना? हाँ सचू, मैं जानती हूँ, लेकिन वो हॉल में पड़ी हुई थी तो मुझे लगा घूम जाए. गुम हो जाती तो उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना आपके छूने से मुझे पड़ा है. तो मैंने कितनी बार कहा कि मेरी जिंदगी और मेरे काम से दूर रही है. सचिन, ये क्या तरीका है से बात करने? क्या यही संस्कार दिया मैंने तुम? माना कि ये तुम्हारी आई नहीं, लेकिन ये मत भूल कि तुम्हारी जिंदगी के पहले कई साल किसने तुम्हें पाल पोस से बड़ा किया. अगर तुम्हें अपनी चीजों की इतनी चिंता है तो उन्हें संभाल कर रखा करो. बाबा, अब इनके लिए मुझे डांट रहे? मैंने इनसे कितनी बार बोला है कि मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करिए, ये फिर भी छूती हैं. ये जबरदस्ती अपनी जिंदगी को मेरी जिंदगी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं. और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है जो हमें यहां रहना ही नहीं है. माना वापस से चले जाए, ये मेरे और सच्चू के बीच का मामला, एक माँ और एक बेटे के बीच का मामला, हम इसे सुलझा लेंगे. अरे यार, ये क्या बोले जा रही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मेरे फेवर में बोल रही हैं या मेरे अगेंस्ट बोल रही हैं. इनकी इंटेंशन मैं कभी समझ ही नहीं पाता हूँ. अच्छा ही होगा कि ये जल्द से जल्द मेरे बाबा की जिंदगी से दूर चली जाए. मैं तो बस तुम दोनों के एक सेकंड सचू, तुझे जाने की कहीं जरूरत नहीं. ये तेरा रूम है, यहां सिर्फ तू रहेगा. गलती मुझसे हो, मैंने तेरी चीजों को इधर उधर रख दी. आगे से अपनी चीजें जगह पर रखा कर, ताकि तुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. सॉरी,
आगे से डिस्टर्ब नहीं करूंगी। Well, सबके reactions देखकर तो यही लग रहा था। Hey Teju, guess what? मुझे एक और modeling assignment मिला। Wow, congrats! Show कब है? पता नहीं। Actually, मैंने उन्हें मना कर दिया। क्यों? तू तो ऐसे behave कर रही जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे कुछ दिन बाद मेरी engagement होने वाली है। मुझे अपने fiance के साथ अपना time spend करना है। तो ये सब modeling assignment, ये सब के लिए मेरे पास अभी time नहीं है। ओहो, तो ये सारे सैक्रिफाइसेस उस मिस्टर अर्जुन के लिए हो रहे हैं। हाँ तो वैसे भी ये मॉडलिंग असाइनमेंट तो बहुत ही छोटी सी चीज है। अर्जुन के लिए तो मैं अपनी जान भी सैक्रिफाइस कर सकती हूँ। मैडम जी, मिठाई चिठाई खिलाने के लिए तैयार हो जाइए। भाभी तो मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। कांग्रेट्स। हाँ, थैंक यू। अच्छा, ओके, बाय बाय। मतलब आपने मेरा काम? जी हाँ, मैंने आपका काम कर दिया। ये रहा आपका ड्राइविंग लाइसेंस और ये रहा आपका गाड़ी चलाने का परमिट। इस पे मैंने गाड़ी के मालिक का नाम, नंबर और एड्रेस लिख दिया है। बस आप एक बार उनसे मिल लीजिए, उसके बाद आपका काम शुरू। ठीक है, मैं मिल लूंगी। आप मुझे बताइए कि मैं ये अपना काम कब से शुरू कर सकती हूँ? और जी, जब तुम चाहो तभी से कर लो, चाहे परसों से कर लो। परसों से? आंटी देखिए ना, मुझे ना मुंबई में ड्राइविंग करने के लिए लाइसेंस मिल गया, साथ में परमिट भी। मैं बहुत अच्छे। पूर्वी देख, पूर्वी मैं देखती हूँ। हाँ, क्या हुआ? पूर्वी, कल हमारे चौल में एक छोटा सा फंक्शन है और हम सब लड़कियाँ मिलकर उस फंक्शन में एक लावणी डांस प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या तुम उसमें हिस्सा लेना चाहोगी? लेकिन लावणी डांस क्यों? ऐसा क्या खास हो रहा है हमारे चौल में? एक सेकंड, पूर्वी मैं तुम दोनों को कुछ बताना भूल गई। दरअसल बात यह है कि कल हमारे चौल को 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक बिल्डर है जो हमारे पूरे चौल को रिनोवेट करना चाहता है। कितनी अच्छी बात है ना? और इसीलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हम सब चौल वालों ने मिलकर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। वाओ, फिर तो मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी इस डांस में। मेरा भी नाम लिख दो। लिखो तेज तेज। अब हम दोनों मिलकर ना लावणी डांस के स्टेप्स पर आएंगे, ठीक है? कितना मजा आएगा मिलकर। लेकिन मुझे तो लावणी डांस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मैंने तो एक्साइटमेंट में अपना नाम दे दिया। अरे एक सेकंड, तुम दोनों क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को लावणी सिखाऊं। वाओ, इट्स रियली अ गुड वन। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि तुम अपनी तरफ से इस काम की पहल कर रहे हो। थैंक यू अंकल, लेकिन इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? ऑफ कोर्स है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी चौल की रिनोवेशन तुम्हारे लिए इतने मायने रख सकती है। यू राइट अंकल। यू रिमेंबर हम लोग विनय के घर पे डिनर के लिए गए थे, राइट? तब मैंने पहली बार चौल का कल्चर देखा और मैंने देखा कि वहाँ के लोग कैसे छोटे छोटे कमरों में एक साथ रहते हैं और उन लोगों के पास एक सेफ जगह भी नहीं है रहने के। आई जस्ट डोंट नो हाउ डू दे मैनेज इतनी छोटी छोटी जगहों में इतने सारे लोग। और सिर्फ विनय की चौल नहीं अंकल, पूर्वी की चौल, वहां पर भी काफी लोग ऐसे, यू नो। पूर्वी की चौल? तुमने देखी है पूर्वी की चौल? अब मेरा मतलब है, तुम कब गए थे वहां पर? एक्चुअली कुछ दिन पहले एक मीटिंग की वजह से हम लोग लेट हो गए, सो मैं पूर्वी को घर छोड़ने गया और उसी वक्त मैंने उस चौल की कंडीशंस देखी। एंड ट्रस्ट मी अंकल, वो घर काफी काफी बुरी हालत में से, तो मैंने यही सोचा कि दैट्स द राइट टाइम टू रीडेवलप। तुमने बिल्कुल सही सोचा है, राइट? एंड आई वाज राइट, तुम वाकई में बदल गए। इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करने लगे और बिजनेस के आगे भी एक दुनिया है जिसे अब तुम फील करने लगे हो। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे इस बदलाव के बारे में जानकर ओवी को बहुत अच्छा लगे। मैं उसे जरूर बताऊंगा। बाय द वे, उन चौल वालों ने एक छोटा सा कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज जहां हमें एज चीफ गेस्ट इनवाइट किया। तुम चल रहे हो मेरे साथ? तो क्या, वो मुझे लावणी नहीं आती तो? अर्चना आंटी है ना, वो मुझे लावणी के सारे स्टेप सिखा देंगी और मैं सारे स्टेप सीख भी लूंगी।
मैं दिखा दूंगी कि कनाडा रिटर्न लड़की भी ये डांस परफॉर्मेंस दे सकती है। मैं इसमें पार्टिसिपेट जरूर करूंगी।